बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, अगर आपने कोरोना टेस्ट का अपॉइंटमेंट लिया है सेहतिया ऐप से तो उसको कैंसिल किस तरह करें। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। वीडियो शुरू करने से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो सबसे पहले अपने सेहतिया ऐप पर आ जाएंगे। हम सेहतिया ऐप पर आ गए। हम आने के बाद देखिए COVID-19 टेस्ट है, तो हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम मी पे क्लिक करेंगे। मी पे क्लिक करने के बाद आप फिर COVID-19 टेस्ट अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो आपने अपॉइंटमेंट बुक की थी वो अपॉइंटमेंट आ गई है कोरोना टेस्ट की। तो हम नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं अपने ऊपर नीचे आएंगे, कैंसिल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद अब आपसे रीज़न पूछ रहा है कि आप किस रीज़न से कैंसिल कर रहे हैं, आपको क्या वजह हो गया, आप काम में बिजी हैं। हम लिखेंगे टुडे आई एम बिज़ी। अगर आप पास कोई और रीज़न हो, आप किसी और वजह से नहीं गए हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। और लिख के हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, कैंसिल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, सिंबल नहीं डालना है, सिंबल आपको कैंसिल करके डालना है। फिर हम कैंसिल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट विद हैज बीन कैंसिलेड सक्सेसफुली, माशाल्लाह। तो अभी आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। अब हमको न्यू अपॉइंटमेंट लेना है, तो फिर हम जाएंगे नीचे न्यू अपॉइंटमेंट पे। फिर अपनी हम सारी डिटेल्स भरेंगे, सारी चीज़ें आप नो करेंगे। अगर आपको कोई सेंटेंस इसमें नज़र आता है, खांसी बुखार फीवर कने और भी कोई सेंटेंस नज़र आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम, तो आप उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो हम सिर्फ नो करेंगे, नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको बुखार है या फिर कोई एलर्जी है या कोई भी ऐसी बीमारी है, तो आप उसको ओके करके नेक्स्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली नो नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको इसमें से कोई सेंटेंस नज़र नहीं आता आपके अंदर, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट कर देंगे। अगर है तो उसको ओके टिक कर लेंगे। फिर बाद में आपके सामने आपके नियरेस्ट सेंटर का इस तरह आ जाएगा कि आपके जो नियरेस्ट सेंटर से उसको सिलेक्शन करके फिर उसके सामने की डेट आ जाएगी। डेट आने के बाद डेट को सिलेक्शन कर लेंगे। फिर उसमें आप टाइम सिलेक्शन कर लेंगे, आपको किस टाइम पे जाना है, जो भी आपको टाइम पे जाना है आप एक टाइम सिलेक्शन कर लेंगे। तो टाइम सिलेक्शन करते ही आपके सामने आपकी अपॉइंटमेंट का सिस्टम आ जाएगा। अगर आपको कन्फर्म करना है तो फिर बाद में कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आप एक बार पढ़ लेंगे आपने कितने बजे का अपॉइंटमेंट ली है, कितना टाइम है, सब कुछ है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। चलिए आई एम एग्री ये हम क्लिक करेंगे। दोबारा पढ़ के फिर से आप कंफर्म करें। यस, हमने कंफर्म किया। देखिए अपॉइंटमेंट हैंड बिल्ड रिसीव्ड सक्सेसफुली। तो माशाल्लाह आपकी अपॉइंटमेंट फिर से बुक हो गई, देख सकते हैं। तो मैंने पहले किया कैंसिल, मैं बिजी तो नहीं जा पाया, मैं दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट ली। तो बहुत ही आसान तरीका अपना COVID-19 टेस्ट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए सेहतिया ऐप से। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।